नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा निगम और आप देख रहे हैं आज की नई नौकरी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक और नए फार्म के साथ आया हूं। दोस्तों यह फार्म अभी आने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में एक घंटा आएगा उसे बजा दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी नए नए फार्मों की। दोस्तों जब मैं इस चैनल पर नए नए वीडियो की या नए नए फार्मों की वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि जो अभी फार्म आई है यूपी 31,000 आंगनबाड़ी की भर्ती आई है, तो दोस्तों आपको इस फार्म को भरने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए और आपकी सिलेक्शन इसमें कैसे होगी दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों और हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, और हाँ दोस्तों, एक बात और करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर 1K+ सब्सक्राइबर हो गए थे कभी का। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर वीडियो नहीं ला पा रहा था, तो इसलिए तो दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं यूपी आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2018 अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों तीन पोस्ट पर भर्ती आई है, सुपरवाइजर, वर्कर और हेल्पर की पोस्ट पर भर्ती आई है। तो देखिए दोस्तों आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है और आप 31,000 जो वैकेंसी निकली है, तो देखिए आपको इसमें बताते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है ताज़ा जानकारी में, तो समन्वित बाल विकास योजना उत्तर प्रदेश ICDS के द्वारा बहुत जल्द 31,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों पर भर्ती करने जा रहा है। यह भर्तियाँ 10 साल के बाद होने जा रही है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निदेशक ने सरकार के पास रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को हरी झंडी दे दी है। शीघ्र ही इसके विज्ञापन जारी किए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर दो सरकार 31,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अधिक एवं ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये जो भर्ती है 2-3 महीने के अंदर ये एक्टिव हो जाएगी, यानी लिंक इसकी एक्टिव हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि अभी अवेलेबल सुन दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट है आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2018 नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर के लिए नोटिफिकेशन किसी भी समय जारी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2018 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन किसी भी समय जारी हो सकता है। हम इस पेज पर आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित सभी जानकारी जल्द से जल्द अपडेट की जाएगी। तो दोस्तों ये आपको जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब पल पल की खबर ये आंगनबाड़ी से या कोई भी भर्ती से संबंधित मैं आपको इस चैनल पर मैं ला के देता रहूँगा। और हाँ दोस्तों चलिए आपको दिखा देते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट का अभी नोटिफिकेशन स्टेटस अवेलेबल सुन दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी में जितने ज़िले हैं तो उनके अभी जो नोटिफिकेशन है अवेलेबल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सारे ज़िले का, सभी का अवेलेबल सुन है अभी दे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी क्या एजुकेशन और एज क्राइटेरिया मांगी गई है। तो देखिए दोस्तों आपको इस भर्ती को, यानी आपको इस फार्म को भरने के लिए आपके पास योग्यता 8 पास होने चाहिए, 10 पास होने चाहिए और 12 पास होने चाहिए, और किसी यूनिवर्सिटी से भी आपकी योग्यता है तो आप इस फार्म में लगा सकती हैं। और आपकी जो एज लिमिट है आपकी 18 वर्ष से 44 वर्ष तक मांगी गई है। तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं यहां पर जो भी जो
ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं पे स्केल यानी आपकी वेतन कितनी दी जाएगी। तो देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार आंगनबाड़ी में जितनी नियम के अनुसार ही आपकी वेतन दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन फीस की बात किया जाए तो ये एग्जामिनेशन फीस ओनली जनरल ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट या फ्री है दोस्तों, किसी सभी महिलाओं के लिए जो इसमें फीस मांगी गई है इसमें सब 0 रुपये अभी दे रही है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन फीस में। और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे किया जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर रिटेन टेस्ट होगा। तो इसमें आपकी मेरिट लिस्ट के अनुसार जो लिखित परीक्षा होगी मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर आपका दूसरे नंबर पर पर्सनल इंटरव्यू होगा। जब आप लिखित परीक्षा मेरिट के मेरिट में आपका जो नाम आ जाएगा दोस्तों तो आपको इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो वहाँ फाइनल आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका उसमें पास होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको यहाँ पर नौकरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट अभी स्टार्टिंग डेट कमिंग सून, लास्ट डेट कमिंग सून, एग्जामिनेशन डेट अभी कमिंग सून, सभी अभी कमिंग सून दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2018-19 नोटिफिकेशन फॉर यूपी स्टेट विल बी इश्यू शॉर्टली, ऑफिशियल डेट विल बी अवेलेबल सून हेयर। तो दोस्तों इसका जैसे ही लिंक और सब आ जाता है, नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं नए नए फार्मों की वीडियो अपडेट देता रहता हूँ। और हाँ दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को फैला दीजिए पूरे अपने दोस्तों में, अपने जो भरने वाले हैं दोस्तों आपके घर में जो भरने वाले हैं इस वीडियो को फैला दीजिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी पता चले कि कैसे कैसे इसमें सब सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। आपकी जो आंगनबाड़ी में 80,000 पदों पर भर्ती आई है उसमें आपकी कैसे सब भर्ती की जाएगी, कैसे सब सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक नए फार्मों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।